देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन का जो है समाकलन कैसे करेंगे, तो इसमें तो जो हम इसका फैक्टर कर देंगे, इसका फैक्टर हो जाएगा डी एक्स अपॉन, इसका तो हम फैक्टर कर सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब हम इसमें जो पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, आंशिक भिन्न लगा देंगे, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। इसको आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे, ए अपॉन दिस एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है ना। ये तो सब लगभग सभी लोगों ने कर लिया। इसमें आंशिक भिन्न लगाएंगे, इसमें भी इसका फैक्टर कर पाएंगे ना, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, तो इन दोनों को हो जाएगा वन अपॉन टू लॉग करके। अब आगे देखिए आगे कैसे करते हैं। आगे जैसे जो तीन क्वेश्चन दे रखे हैं ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको करने के लिए मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो एक्स बराबर क्या मानना, ए साइन थीटा मानना, ठीक है ना, एक्स बराबर ए साइन थीटा मान देना। और इसमें क्या मानना, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया तो इसमें एक्स बराबर ए सेक थीटा मानना, ठीक है ना। और एक और हमारा क्वेश्चन बचा है, इसको क्या करेंगे, तो इसको भी मैंने पहले से ही बता दिया सबको, ए टेन थीटा मानना, ये मानना, ठीक है ना। देखिए इनमें हमें जो कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम इसका फर्स्ट सेकंड तो लगा नहीं सकते, इसलिए इसमें ए साइन थीटा ए सेक थीटा एंड ए टेन थीटा, तो इनका भी आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं ये वाले क्वेश्चन, ये जो तीन क्वेश्चन आते हैं इनमें हम नहीं मान सकते, ठीक है ना, इनमें नहीं मानेंगे हम ए साइन थीटा या ए टेन थीटा या ए सेक थीटा। इसमें हम वन का मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, ये हमारा फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है ना। ऐसे में इसमें वन का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ऐसे ही इसमें वन का मल्टीप्लाई करो तो ये फर्स्ट ये सेकंड, इसमें फर्स्ट सेकंड लाएंगे ना तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से वैसे तो ये फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अगर ये फॉर्मूले जो है एग्जाम में प्रूव करने के लिए आ जाएँ तो हम इस प्रकार से करेंगे। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा।